नशा करके तशद्दुद का निशाना बनाता है। आमिर लखत की तीसरी अहलिया भी तलाक के लिए अदालत पहुंच गई। शोबिज़ इंडस्ट्री के नामवर मेज़बान आमिर लखत हुसैन की तीसरी अहलिया दानिया शाह ने तलाक के लिए अदालत से रजू कर लिया। दानिया शाह ने तंसीख़ निकाह, हक महर और नान नफका का दावा दायर कर दिया। मेज़बान आमिर लखत हुसैन की तीसरी बीवी दानिया शाह तलाक लेने के लिए अदालत पहुँच गई। अदालत ने डॉक्टर आमिर लखत हुसैन को 7 जून तक के लिए नोटिस जारी कर दिए। आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया शाह ने दरख्वास्त में मौकफ बनाया कि आमिर लियाकत आइस का नशा करता है और आयाश आदमी है। आमिर लियाकत नशावर होकर आए रोज़ तशद्दुद का निशाना बनाता है। अदालत से इस्तदआ है कि आमिर लियाकत से तंसीख़ निकाह की डिग्री जारी करें, हक महर की मद में 11 करोड़ रुपये घर और जेवरात अदा करने का हुक्म दे, अदालत 1 लाख रुपये खर्चा नान नफका मुकर्रर करे। मजीद बरा दरख्वास्त में आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया शाह का कहना था कि आमिर लियाकत हुसैन जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, शादी के 4 माह किसी अजियत से कम नहीं थे, नशा करके आए रोज़ तशद्दुद का निशाना बनाता है, छोटे से कमरे में रखता था। आमिर लियाकत हुसैन मुझे और मेरे वालदैन को संगीन नतज की धमकियां दे रहा है, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज हमें तहफ़ फराहम करें। जैसा कि दानिया ने कहा कि आमिर लियाकत जैसे नज़र आते हैं वैसे हैं नहीं, बल्कि वो असल में एक शैतान है। दानिश कनेरिया का शाहिद अफरीदी पर इल्ज़ाम। दानिश कनेरिया ने इल्ज़ाम लगाया कि हिंदू होने की वजह से साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का मेरे साथ रवैया दुरुस्त नहीं था और वो मुझ पर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डालते थे। एक भारतीय टीवी को इंटरव्यू में दानिश कनेरिया ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिका चेयरमैन एजाज भट्ट ने मेरा मौक़िफ़ तस्लीम करने से इनकार कर दिया और मेरी क्रिकेट ख़त्म हो गई। साबिक स्पिनर ने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि सबसे पहले शोएब अख्तर ने अफरीदी के बारे में ये बात सरकारी टीवी पर कही थी। पाकिस्तान टीम में बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल थे, मेरे मसाइल हमेशा शाहिद अफरीदी के साथ ही रहे क्योंकि वो टीम में मुझसे अच्छा रवैया नहीं रखते थे और मुझे हमेशा गिराने की कोशिश करते थे। उन्होंने कहा कि अफरीदी का क्रिकेट में बड़ा नाम है, वो मेरे डिपार्टमेंट के कमताज ने, इसलिए वो मुझे डिपार्टमेंट में बाहर बिठाए रखते थे। मुझे काउंटी क्रिकेट खेलना होती थी, अगर डिपार्टमेंट में नहीं खेलता तो काउंटी माहदे में भी मुझे मुश्किल पेश आती थी। दानिश कनेरिया का कहना था कि फील्डिंग प्रैक्टिस में भी शाहिद अफरीदी मुझ पर जुमले कसते थे। एक बार मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी मिली तो शाहिद अफरीदी ने मुझे फील्डिंग प्रैक्टिस में वो जुमले कसे जिन्हें मैं टीवी पर बयान भी नहीं कर सकता। वो मुझे नज़रअंदाज करते थे, मैं इनके साथ बातचीत भी नहीं करता था और दूर रहता था। उन्होंने मजीद कहा कि जब मोहम्मद यूसुफ ने इस्लाम कबूल किया तो परवेज़ मुशरफ ने मुझे सपोर्ट किया। एक डिनर में सदर मुशरफ ने कहा कि अगर तुम्हें कोई तंग करे तो मुझे बताना, मैं शाहिद की वजह से डिस्टर्ब रहता था। साबिक क्रिकेटर ने कहा कि मोहम्मद यूसुफ पर इस्लाम कबूल करने के लिए किसी ने दबाव नहीं डाला, मुसलमान बनना इनका ज़ाती फैसला था। शाहिद अफरीदी को दीगर खिलाड़ी कहते थे कि इसे तंग ना करो, मैं खुद नसीब हूँ कि पाकिस्तान टीम में तमाम खिलाड़ी मुझे सपोर्ट करते थे। जब स्पॉट फिक्सिंग में मुझ पर पाबंदी लगाई गई तो शाहिद अफरीदी ने कहा कि दानिश पर पाबंदी दुरुस्त लगी, जबकि वही अफरीदी मोहम्मद आमिर की इसी तरह के केस में हमायत करते रहे। शाहिद अफरीदी का मौक़िफ़। शोहरत याफ्ता क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने दानिश कनेरिया के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये जिस दौर की बात कर रहा है, मैं इस वक्त खुद मज़हब को पूरी तरह समझने की कोशिश करता था और ये बातें वो कर रहा है जिसका अपना कोई किरदार ही नहीं है। शाहिद अफरीदी ने कहना था कि दानिश कनेरिया ने स्पॉट फिक्सिंग केस में मुल्क का नाम बदनाम किया और अपनी क्रिकेट ख़त्म की, वो सस्ती शोहरत और पैसे कमाने के लिए इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दानिश कनेरिया मेरे छोटे भाइयों की तरह था और मैं इसके साथ कई साल डिपार्टमेंट में भी के साथ खेलता रहा हूँ। अब 15-20 साल बाद दानिश कनेरिया को ये इल्ज़ाम लगाना क्यों याद आ गया, इनका क्या किरदार है इसका सबको इल्म है। साबिक कप्तान का कहना था कि दानिश कनेरिया के साथ अगर मेरा रवैया ख़राब था तो इसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या हबीब बैंक में मेरी शिकायत क्यों नहीं की, आज हमारे दुश्मन मुल्क में इस किस्म की मजहबी जज्बात उभारने वाली इंटरव्यू क्यों दे रहा है।